नमस्कार, बाइक कंपेयरर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीवीएस जुपिटर वर्सेस एक्टिवा 3G की। हर साल इंडिया में लाखों स्कूटर बायर्स एक्टिवा खरीदते हैं, जिसे वो सर्वश्रेष्ठ टू व्हीलर बन गई है। परंतु लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी होती है जिससे हर दूसरी स्कूटर नजरअंदाज की जाती है? चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विश्वसनीयता और बिक्री के बाद के सेवा की। अगर देखा जाए तो होंडा ने जब एक्टिवा वर्ष 2000 में लॉन्च की थी, उसने यह साबित कर दिया था कि वो भारत की सबसे विश्वसनीय टू व्हीलर है। आज भी अपने इर्द गिर्द वर्ष 2000 की एक्टिवा कार्यशील दिखती है, जबकि उसकी प्रतियोगी जैसे कि काइनेटिक नोवा, टीवीएस स्कूटी ईएस कहीं नजर नहीं आती। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में टीवीएस ने खुद को एक विश्वसनीय भारतीय टू व्हीलर निर्माता बना लिया है, परंतु वो होंडा के नजदीक नहीं आई। अब हम बात करेंगे ईंधन की खपत की। स्टैंडर्ड ट्रायल के अनुसार जब हमने दोनों गाड़ियां टेस्ट की, तब हमने ये पाया कि टीवीएस जुपिटर ने 44 किलोमीटर पर लीटर दिया और वही एक्टिवा ने अविश्वसनीय 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया। अब हम चलते हैं रिफाइनमेंट की ओर। जुपिटर टीवीएस की आज तक की सबसे श्रेष्ठ स्कूटर कहलाई जा सकती है, जिसमें टीवीएस ने इंजन का शोर बहुत कम किया है और इसके साथ जटर फ्री सीवीटी भी दिया है, जो कि होंडा के एक्टिवा 3G एचईटी का मुकाबला कर सकती है। पर यह स्थिति दोनों गाड़ियां नई होने पर ही संभव है। परंतु 5 साल के उपयोग के बाद एक्टिवा अपना स्मूथ परफॉर्मेंस बरकरार रखती है, जबकि जुपिटर में आपको इंजन ट्यूनअप की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे पुनर्विक्री और रखरखाव का खर्च। 5 साल के बाद पुनर्विक्री की कीमत एक्टिवा 3G की ज्यादा होने की संभावना है और 10,000 रुपए तक का ईंधन का खर्च भी बचा सकती है, जिससे कुल मिलाकर एक्टिवा 3G जुपिटर के मुकाबले 10% सस्ती पड़ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कीमत और विशेषताओं की। एक्टिवा 3G और टीवीएस जुपिटर दोनों की कीमत 55,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली पाई जाती है। होंडा एक्टिवा में CBS यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पाया जाता है, जबकि टीवीएस जुपिटर में सिंक के नाम से उपलब्ध है। दूसरी ओर जुपिटर में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बाहरी फ्यूल कैप और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसे सुविधा मिलेंगी। बात करेंगे हैंडलिंग और सवारी की गुणवत्ता के बारे में। यह ऐसी जगह है जहां एक्टिवा मुंह के बल गिर जाती है, क्योंकि होंडा अभी तक एक्टिवा में 10 साल पुराना ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन इस्तेमाल करती है, जिसके साथ 10 इंच का छोटा फ्रंट व्हील जोड़ा जाता है, जिससे आपको ज्यादा उछाल मिलता है और ब्रेकिंग की परिस्थिति में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। बगैर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ एक्टिवा में सामने की तरफ उछाल पाया जाता है, जिससे पूरा वजन अगले पहिए से उठ जाता है और ट्रैक्शन की कमी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर में बेहतरीन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 12 इंच व्हील्स की वजह से आपको ट्रैक्शन और बेहतर सवारी मिलती है। तेज गति और उबड़ खाबड़ रास्तों पर जुपिटर एक्टिवा से बेहतर प्रदर्शन करती है। अब हम आएंगे निष्कर्ष पे। देखा जाए तो एक्टिवा जुपिटर से कई मामलों में बेहतर है, जैसे कि रिलायबिलिटी, इफिशियंसी और रिफाइनमेंट, किंतु बहुत ही छोटे अंतर से। लेकिन आपको अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आरामदायक सवारी चाहिए तो जुपिटर आपके लिए बहुत बेहतर है। तो जुपिटर आपके लिए बेहतर है। आखिर आप क्या चाहते हैं, 10% कम खर्च या आपकी रीढ़ की तंदुरुस्ती? हमें यह लगता है कि होंडा ने अपनी एक्टिवा को अपग्रेड करने का समय आ चुका है, जो कि एक्टिवा 4G से उम्मीद कर सकते हैं। परंतु तब तक टीवीएस जुपिटर ही हमारा चुनाव है। आपको अगर हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।